तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो फैनकोड ईसीएस टीटन क्रिफिल्ड लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो आज के दिन का पहला और दूसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई नोवा और दसवां मैच जो कि खेला जाएगा बेज स्पार्टन वर्सेज गोल्डन स्टार बोर्न के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वीडियो को भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट आपको देख लेना है। और अगर भाई आप वीडियो कंप्लीट देखते हो ना तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इस मैच में हराने वाला कोई नहीं है। मैं हेड टू हेड और थ्री मेंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जीएल की भी मैं इस मैच में काफी सारी स्पेशल पिक्स बताऊंगा, तो तैयार हो जाओ भाई, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल का दिन भी हमारे लिए बिल्कुल बेहतरीन गया था, बस रात वाला जो बिल्कुल लास्ट मैच था मेंस 100 का वो भाई बिल्कुल क्लीन लॉस चला गया था। उसका मैंने आपको रीजन बताया था, जैक बॉल को हमने टीम में नहीं, एक दो चेंजेस कर दिए थे उसकी वजह से भाई यहाँ पर मतलब मैच जो हमारा खराब चला गया था। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, अगर 10 मैच में से एक आधा मैच खराब भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, सभी मैच विन कोई भी नहीं करा सकता। और जो बोलते हैं ना कि हम सभी मैच विन करवाते हैं, 100% लॉस मतलब झूठ बोल रहा है भाई, 100% 1% भी नहीं, 2% नहीं, 100% झूठ बोल रहा है आपका भाई। क्या है भाई, जो मैच जीते वो जीते, जो मैच आ रहे वो आ रहे। कल भाई T10 के हमने मैच कवर किए, एकदम अल्ट्रा क्लीन स्वीप मैच के। रिजल्ट भी आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो, ज़्यादा रिजल्ट वगैरह मैंने शेयर किए नहीं। अगर मैं शेयर करने पर आता ना तो कम से कम मेरे पास भाई 30-40 स्क्रीनशॉट और थे जो आप लोगों के ही भेजे हुए थे। एक तो शुभम भाई है, उन्होंने भेजा हुआ था और उन्होंने तो भाई काफ़ी सारी विनिंग की थी, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे भाई भाई आप में से जो स्क्रीनशॉट डेली शेयर करते हैं। और भाई यहाँ पर अगर बात करें इस मैच की, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं मैच की तरफ। लेकिन इससे पहले भाई आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना इस मैच की, वो आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल भाई ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और वीडियो को लाइक नहीं करें तो सबसे पहले भाई वीडियो को देखते देखते ही लाइक वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और भाई बोलना ना पड़े बार बार, प्लीज यार रिक्वेस्ट है, सीधा ही आप यार अपने भाई की वीडियो देखने आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, है ना। और जो भी भाई पहली बार मेरे को देख रहे हैं ना, सिर्फ पहली बार आए ना मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए, ना ही भाई आवाज से पहले मेरी मतलब वीडियो देखी है, तो उन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। साथ ही साथ आपसे भी सेम भाई वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर मैच के बारे में। तो यहाँ पर भाई नोवा और दसवां मैच है बेयर स्पार्टन वर्सेस गोल्डन स्टार बोर्न के बीच में। डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज की रहने वाली है, टाइमिंग 12 बजे और दोपहर को 2 बजे खेला जाएगा। अभी 10:14 हो चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी भाई 1 घंटा 45 मिनट ही बचे हैं, जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट 1 घंटा बचा होगा। आज भाई मैं मॉर्निंग में काफ़ी लेट उठाऊँ सोके, तो इसीलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें वेन्यू की, तो बेयर उरेदिन क्रिकेट ग्राउंड में मैच होने वाला जो कि क्रिफिल्ड में। पिच की अगर बात करें तो न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी खासी हेल्प रहेगी। हालांकि थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पर बैट्समैन को हर हाल में रहेगा, क्योंकि बाउंड्री शॉर्ट उठती है भाई T10 के क्लब क्रिकेट मैचेज में। और ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, और आप फिर भी अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते तो भाई इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वेन्यू की अगर बात करें तो अभी तक जो 8 मैच कंप्लीट हुए, 4 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते, 4 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। तो यहाँ पर वेन्यू बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, तो वेन्यू के ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम या बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को फेवर नहीं कर सकते, जो भी टीम अच्छा खेलेगी वही यहाँ पर विन करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले बेयर स्पार्टन्स की बात कर लेते हैं। तो भाई इन्होंने 2 ही मैच खेले, पहला मैच जीते, दूसरा मैच आ रहे थे अभी तक। वहीं अगर बात करें इनकी तरफ से ओपनिंग करने आए मोहम्मद आसिफ, यहाँ पर भाई दो मैच खेले, उसमें भाई इन्होंने 14 रन बनाए प्लस 1 विकेट भी निकाला है। वकास फातमी 2 मैच में 64 रन, काफ़ी शानदार प्लेयर है और ओपनिंग करने आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेंगे। अरसलन सिद्दीकी की बात करें तो 2 मैच में भाई इन्होंने भी यहाँ पर 31 रन बनाए। इसके अलावा शहजाब खान ने 2 मैच में भाई यहाँ पर आप देख सकते हो 26 रन बनाए। ताहा खान की बात करें तो 2 मैच में भाई इन्होंने 3 विकेट निकाले और 18 रन भी बनाए। नीचे हुमायूं भट्ट की बात करें 2 मैच में भाई इन्होंने यहाँ से 39 रन बनाए। ये भाई सेम बैटिंग ऑर्डर जो लास्ट के 2 मैच में रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है।
है। जैन मसूद की बात करें, दो मैच खेले, ना तो ज़्यादा बैटिंग कर रहे हैं ना ही बॉलिंग। वहीं अगर बात करें जकीरुल्ला असमारी की, तो दो यहाँ पर आप देखिए, दो मैच में इन्होंने भाई यहाँ पर 21 रन दिए और एक विकेट भी यहाँ से निकाला है। इसके अलावा अगर नीचे हम बात करें अल्ताफ अहमद की, तो दो मैच में एक रन और विकेटलेस रहे। राजभूषण दो मैच में दो विकेट, गौहर सुल्तान दो मैच में दो विकेट। अब यहाँ से आपके लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर मार्क करूँ, तो ऊपर से मोहम्मद आसिम, वकास फातमी, अरसलन सिद्दीकी और साजिब खान, इन चार में से कोई तीन प्लेयर आपको अपनी टीम में रखने। नीचे ताहा खान मास्टर पिक रहेगा। हुमायूं बट को भाई जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। ये भाई मतलब देखिए, इनकी ज़्यादा बैटिंग नहीं आएगी, अदरवाइज मतलब अगर जब तक टीम इन्हें ऊपर प्रमोट नहीं करती, और ऊपर प्रमोट करेगी तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर नेक्स्ट मैच से हम इसे ट्राई करेंगे। बट यहाँ पर T10 में बैटिंग ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता, तो जो स्टार्टिंग में टॉप पर खेल रहे हैं ना, मोस्टली भाई आपको यही टॉप पर खेलते दिखेंगे, और इनमें से भाई ऊपर नीचे होगा बैटिंग ऑर्डर। और यहाँ से बात करें तो गौहर सुल्तान को आप ट्राई कर सकते हो नीचे बॉलिंग सेक्शन में, इसके अलावा यहाँ पर राजभूषण को ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर बात करें भाई गोल्डन स्टार बोन्स की टीम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने चार मैच खेले, पहला मैच जीतने के बाद लगातार भाई तीन मैच हार के आ रहे हैं। अब यहाँ पर इनकी तरफ से बात करें ओपनिंग की, तो नियामत साफी आपको दिखेंगे, चार मैच में 70 रन और एक विकेट इन्होंने निकाले है। हसन नकवी के साथ ओपनिंग करने आएंगे, हसन नकवी ने चार मैच में चार विकेट निकाले और भाई यहाँ पर 26 रन दिए। इसके अलावा भाई परितोष बैरागी की बात करें, तो भाई जो बिल्कुल लास्ट मैच था या सेकेंड लास्ट मैच नहीं, इनका जो लास्ट मैच था उसमें भाई परितोष बैरागी ने काफ़ी तूफानी नोक खेली थी, 50 लगाई थी, मे बी एग्जैक्ट याद नहीं है, 40 प्लस का स्कोर तो किया था इन्होंने। चार मैच में भाई इन्होंने 90 रन बनाए। गुरी सिंह की बात करें, चार मैच में 41 रन। नईम खान चार में दो मैच में 47 रन है। पंकज कुमार की बात करें, दो मैच में 2 रन है। राहिब नवाबी की बात करें, तो इन्होंने भाई यहाँ पर चार मैच में चार विकेट निकाल रखे हैं। इसके अलावा आदि वस्कर की बात करें, चार मैच में दो विकेट है। नदीम अब्बासी दो मैच में कुछ खास इन्होंने नहीं किया। लीला गुरुगुबेली की बात करें, चार मैच में चार विकेट है। जाकिर खान ने चार मैच में 21 रन देकर कुछ खास यहाँ पर नहीं किया है। इसके अलावा इनकी तरफ से एजाज आसमी आपको खेलते दिख सकते हैं, वो भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इजाज़ आसमी नहीं भाई, इनकी तरफ से नहीं हो, ठीक है। तो अगर इनके अलावा कोई और प्लेयर खेलता है ना इनकी टीम से, तो वो उसकी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर दे ही दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर रखा है, तो बाकी सारी चीज़ें भाई वहीं पे मैं अपडेट कर दूंगा। अब अगर बात करें भाई टेलीग्राम चैनल के अलावा टीम की, जो डेमो टीम रहेगी उसकी अगर बात करें, तो यहाँ पर भाई देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, साजिब खान और नीचे भाई है हुमायूं भट्ट। तो हुमायूं भट्ट भाई काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहा है, तो मैं अभी ड्रॉप करूंगा, यहाँ से भाई साजिद खान को अपनी टीम में लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से ट्राई भी कर सकते हो प्लेयर्स को। यहाँ पर अगर बात करें वकास फातमी मस्ट पिक रहे, मोहम्मद आसिफ को मैं अपनी टीम में ज़रूर रखना चाहूँगा क्योंकि बॉलिंग भी कर रहा है बीच में। अरसलन सिद्दीकी को आप टीम में रख सकते हो, बट अभी के लिए मैं परितोष बैरागी को अपनी टीम में रखूँगा। यहाँ पर देखिए भाई, इस मैच में इन्होंने स्कोर किया था, 51 रन बनाए थे भाई, ठीक है। तो परितोष बैरागी हमारी टीम में रहेंगे। इसके अलावा नियामत साफी मस्ट पिक रहेंगे। नीचे अगर बात करें तो आर नवाबी स्टार्टिंग के शायद इन्होंने दो मैच मिस किए थे, नहीं खेले थे, जो लास्ट के कल के दो मैच थे दोनों मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई है भाई बंदे की, तो आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। रीजन मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर आदि बसगर को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ, और यहाँ से अगर बात करें तो नीचे चल के असद नाकवी को अपनी टीम में रख रहा हूँ, और यहाँ से भाई अरसलन अहमद को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। अब अगर भाई अल्ताफ अहमद को अपनी टीम में रख रहा हूँ। अब यहाँ से भाई अगर हम ट्राई कर लेते हैं नीचे चल के आर नवाबी, तो फिर भाई यहाँ से ऑलराउंडर से हम ट्राई नहीं कर पाएंगे। एल गुरुदबेली इंपॉर्टेंट रहेगा, ती हसन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें जैड असमारी को आप ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, या फिर भाई आप यहाँ से एन खान को अपनी टीम में कर सकते हो, नईम खान को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी के लिए चलिए मैं नईम खान को ले लेता हूँ, देखते भाई फाइनल टीम में क्या कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए जो मेरी टीम है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। अगर इस टीम में कोई भी चेंजमेंट होगा तो उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिलेगी। कैप्टनसी की बात करें तो एच नाकवी को जाएगी। वीसी की अगर बात करें तो यहाँ पर कहाँ गया भाई, नियामत साफ़ी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आप इसको वीसी दे सकते हो, या फिर भाई आप सामने वाली टीम से अगर वीसी दे भाई, या फिर जो टी हसन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। टी हसन की एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चल के भाई यहाँ पर आप बैटिंग में देखें, नंबर चार पास पर बैटिंग प्लस बॉलिंग भी अच्छी खासी कर रहा है। लास्ट मैच में तीन विकेट निकाले थे इन्होंने। अब यहाँ से अगर बात करें टीम के प्रिव्यू की, तो कुछ इस प्रकार की टीम आपको हमारी दिखने वाली है। अगर इस टीम में कोई भी चेंजेज होते हैं तो उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर
पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी भाई लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, बट आपको ये बता दूँ सर्च भाई बहुत कम करना आप, क्योंकि यहाँ पर भाई देखिए पहले तो मैं यूजर नेम बता देता हूँ @realkpm1। और अगर आप देखिए सर्च करोगे तो भाई यहाँ पर आपको जो टॉप पर चैनल दिख रहा नहीं, यही हमारा चैनल है। कभी कभी क्या होता है कि फेक चैनल बने हुए होते हैं तो भाई वो उनके ऊपर आप पहुँच जाओगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी अगर करंटली बात करें तो 6.1K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करूँगा जल्द जब तक आप आओगे चैनल पर और भी हमारी फैमिली बढ़ चुकी होगी, 6.2K की हो चुकी होगी। मे भी भाई आज हमारी फैमिली 6.2K आप क्रॉस करवा दोगे, यार करवा दो जो भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो, आ जाओ यार। जो जुड़े हुए हो और उनके कोई दोस्त यार फैंटेसी खेलते तो उनके पास भी आप लिंक शेयर कर सकते हो। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।